हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक नए विषय के साथ आज आपके सामने आया हूं जो कि बहुत लोगों के दिलों में रहता है। उस विषय का नाम है नेम एंड फेम। कुंडली में नेम एंड फेम को जानने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि नेम एंड फेम कुंडली में हॉरोस्कोप में कैसे देखा जाता है और कैसे समझा जाएगा। सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लगना लॉर्ड। कहते हैं ना वास्तु में कि वास्तु का मुख्य घर का मुख्य दरवाज़ा ठीक है, 70% वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। उसी तरह अगर लगन और लगना लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है तो समझ लो नेम एंड फेम 60-70% एश्योर्ड हो गया आपका। अब ये देखते हैं कि लगन और लगना लॉर्ड को कैसे देखना है। लगन हमारा फर्स्ट हाउस होता है। फर्स्ट हाउस में शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रह फर्स्ट हाउस को देख रहे हों तो लगन का मतलब शुभ प्रभाव में लगन। लगना लॉर्ड की प्लेसमेंट देखो, लगना लॉर्ड अगर केंद्र में त्रिकोण में कहीं अच्छी जगह बैठा हुआ है और शुभ ग्रहों के प्रभाव में, तो समझ लो बहुत बड़ा मोर्चा हमने फतेह कर लिया नेम एंड फेम के रास्ते में। सेकंड चीज़ होती है टेंथ लॉर्ड। हम टेंथ हाउस और टेंथ लॉर्ड, टेंथ हाउस अगर शुभ प्रभाव में है और टेंथ लॉर्ड अच्छी जगह प्लेस्ड है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो भी बहुत बड़ी बात है, हमने बहुत बड़ा मैदान फतेह, जैसे लगना लॉर्ड से फतेह कर लिया ऐसे टेंथ लॉर्ड हमारे कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। तीसरी बहुत बड़ी चीज़ और होती है वो है सन। सन फेम का कारक है। अगर सन की प्लेसमेंट और सन की युति चार्ट में अच्छी बैठी हुई है, क्योंकि सन हमारे को बहुत कुछ सन ये भी बताएगा कि हमको किस डायरेक्शन से किस जगह से फेम मिलना है। सन सपोज किसी का टेंथ हाउस में बैठा हुआ है तो समझ लो राज्य से उसको प्राप्ति होने वाली है। 11th हाउस में बैठा हुआ है तो भी यही इंडिकेशन दे रहा है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाएगी सन की। और सन को अच्छे शुभ ग्रह देख रहे हैं और सन किस ग्रहों को देख रहा है तो ये भी वो हाउसेज भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस बन जाते हैं चार्ट में, हमें नेम एंड फेम मिलना कहाँ से है। सन का शुभ प्रभाव में होना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ होती है 7th हाउस और 7th लॉर्ड। 7th हाउस हमारे ऑपोजिट वाला हाउस, हमारे सामने वाला वर्ल्ड है पूरी दुनिया। वो हमें क्या समझती है और हमारे को किस निगाहों से देखती है वो 7th हाउस से देखा जाएगा। और 7th हाउस 10th से 10th हाउस होके भी 10th हाउस जैसी इंपॉर्टेंस भी रखता है। तो 7th हाउस का और 7th हाउस के लॉर्ड का भी शुभ प्रभाव में होना एक बहुत बड़ी एडवांटेज प्लस एडवांटेज मानी जाएगी। अब बात करते हैं मून की। मून हमारा माइंड है। अगर हमारा माइंड ही स्टेबल नहीं है तो हमें यश प्राप्ति कहाँ से होगी। तो मून का ऊंच में होना या किसी अच्छी जगह बैठा होना बहुत बड़ी एक गॉड गिफ्ट समझा जाएगा इस मामले में। उसके बाद आता है वीनस। अगर ज़्यादातर लोग हमारे बॉलीवुड या हॉलीवुड इस एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के से बहुत नेम फेम कमाते हैं तो उसके लिए वीनस देखा जाता है। वीनस की प्लेसमेंट अगर अच्छी है, वीनस जुपिटर जैसे ग्रहों से दृष्ट चल रहा है, मरकरी से दृष्ट चल रहा है, अच्छी पोजीशन में केंद्रीय त्रिकोण में बैठा हुआ है और 10th हाउस से भी कुछ किसी तरह से कनेक्शन बना रहा है तो वो भी हमें बहुत बड़ा फेम दिला सकता है। इसके बाद आते हैं बहुत बड़ी चीज़ होता है राहु। आज 21वीं शताब्दी में तो कहते हैं राहु की दुनिया है, क्योंकि राहु कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल अदा करता है कंप्यूटर में। और अगर राहु की अच्छी प्लेसमेंट और राहु 10th हाउस में बैठा हो और राहु जिस घरों को देख रहा हो उस घर में भी राहु उस घर से कनेक्टेड सक्सेस दिला सकता है। मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करता हूँ, राहु 3rd हाउस में कंप्यूटर की दुनिया में बहुत बड़ी आपको एक कनेक्टिविटी देता है और सक्सेस भी देता है, पर्टिकुलरली अगर इसका कनेक्शन 5th हाउस से भी हो। 5th हाउस हमारा सोशल मीडिया का है तो राहु का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इवन राहु शाहरुख खान के चार्ट में उसका राहु 10th हाउस में है, ट्रंप का 10th हाउस में राहु उच्च का बैठा हुआ है। वो अपने आप में बताता है कि राहु की प्लेसमेंट और राहु की मतलब कितना बड़ा रोल है नेम एंड फेम में। उसके बाद हम बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न जिस तरह हम 10th हाउस को देखते हैं, सैटर्न नेचुरल कर्म का कारक है। उसका शुभ प्रभाव में होना भी एक नेम एंड फेम की तरफ इंडिकेशन देता है। तो अगर केंद्र में कहीं प्रेजेंट है तो कैरियर बहुत स्मूथ बना देता है और शुभ प्रभाव में है तो बहुत सोने पे सुहागा समझ लीजिए आप। उसके बाद आते हैं जुपिटर। जुपिटर हमारा लक, फॉर्चून और फाइनेंस का भी समझ लो बहुत बड़ा कारक बनता है। अगर ये वेल प्लेस्ड है और ये इन सब को किसी ना किसी रूप में कनेक्ट कर रहा है या एस्पेक्ट कर रहा है तो जुपिटर एक्सपेंशन देता है। तो अगर अच्छे ग्रहों को देख रहा है तो वहाँ एक्सपेंशन कर देगा आपकी। तो जुपिटर का रोल भी इसमें हम नकारा नहीं जा सकता। उसके सबसे एक हाउस 11वां हाउस भी आता है, ये हमारा इच्छा पूर्ति का भाव है। तो इसका भी कनेक्शन इन घरों से बनना बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। इसमें मैं कुछ एडिशन करता हूँ कि हम एस्ट्रो की दुनिया से बाहर निकल के भी कुछ देखने की कोशिश करते हैं नेम फेम के लिए। हम लोशो ग्रिड चार्ट में आते हैं। हमारे पास सपोज ये हॉरोस्कोप ही नहीं है, कोई इंसान हमारे पास आया वो उसको हम लोशो ग्रिड बना के बैठे हुए हैं। अगर लोशो ग्रिड में 4, 5, 6 ये कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है, 9, 5, 1 ये कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है, तो ये भी एक नेम फेम की तरफ हमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है। तो हमें इसको देखने की ज़रूरत बाद में पड़ेगी। हमें इसी से एक क्लू मिल जाएगा कि आदमी सक्सेस स्टोरी लिखने जा रहा है। इसके बाद आते हैं हम वैदिक अंक चार्ट पे। इसमें फर्स्ट लाइन सक्सेस लाइन होती है, प्रोफेशनली सक्सेस मतलब इजी सक्सेस देती है। अगर ये फर्स्ट लाइन पूरी हो रही है, दूसरी बिजनेस लाइन होती है, ये पूरी हो रही है, तो ये भी नेम एंड फेम की तरफ कुछ इंडिकेशन आपको यहाँ से मिलता है। अब मैं कुछ लकी डेट्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, 19 नंबर, 21 नंबर, 24 नंबर, 27 नंबर। इस डेट्स को पैदा हुआ व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा फॉर्चून लेके पैदा होता है। तो ये भी आपको एक इंडिकेशन यहाँ पे भी मिलती है। इसके बाद मैं कुछ ड्राइवर और कंडक्टर कॉम्बिनेशन की सीरीज़ देखता हूँ। आपका 1 मूलांक है और 5 1 नंबर है और 5 इसका कंडक्टर नंबर है। फर्स्ट नंबर ड्राइवर है या 5 ड्राइवर है और 1 कंडक्टर है, 5 ड्राइवर है और 6 कंडक्टर है, 6 ड्राइवर है 5 कंडक्टर है, 1 ड्राइवर है 9 कंडक्टर है, 9 ड्राइवर है और 1 कंडक्टर है। ये सीरीज़ भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ इंडिकेशन देती है। थैंक्स फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक नए नज़रिए से आज नेम एंड फेम को पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। आप अगर आपको पसंद आया तो उसको शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स अगेन।